हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो 2018 का FRP बाईपास गूगल अकाउंट अनलॉक कैसे करें, वो भी दोस्तों बिना PC या कंप्यूटर के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे वाईफाई कर देते हैं कनेक्ट, और कनेक्ट कराने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है FRP ही लॉक है, जो कि कस्टमर के या कहें तो हार्ड रीसेट करने से ये जो है FRP लॉक आता है, यानी गूगल लॉक, गूगल का एक गूगल अकाउंट जो मांगने लगता है आगे। तो यहाँ से हम एग्री टू ऑल कर देते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट। आपको जल्दी से दिखाते हैं फटाफट कि ये इसमें दिक्कत यही है गूगल लॉक, और ये दिक्कत ये चेकिंग इन्फॉर्मेशन दोस्तों आगे की तरफ हो जाएगा फॉरवर्ड, ये लेता है वक्त। आप देख रहे हैं वेरीफाई योर अकाउंट दिस डिवाइस योर रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आपको डालूं अपलोड करूँ तो आपको देखने के लिए मिल जाए नोटिफिकेशन। तो यहाँ से आ जाएंगे सीधे बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये आप होम बटन देख रहे हैं, इसी को हमें 3 बार एक साथ जो है टैप करना है। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये 3 बार दोस्तों याद रहे, 3 बार एक ही साथ टैप करना है। तो यहाँ हम जो है करने जा रहे हैं टैप, और ये हमने यहाँ देखिए 1 2 3 टैप कर दिया है, और ये थोड़ा सा वक्त लेगा और आ जाएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस। तो हमें यहाँ सिंपली स्क्रीन पे येल बनाना है जैसे हमने बनाया है, और यहाँ टॉक बैक सेटिंग पे कर देंगे टच, और डबल टच करके ये अब चलेगा। और डबल टच करने के बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद डबल मतलब फिंगर से, डबल फिंगर से हमें आ जाना है नीचे, सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन है उसे हमें करना इनेबल। तो ये बार बार नीचे हो जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है ऊपर आ गया है सिंगल टैप एक्टिवेशन, इसे हम कर देंगे सिंगल टैप, और डबल टैप कर देंगे जिससे कि ये हो जाएगा इनेबल। और इनेबल हो जाने के बाद दोस्तों हमें फिर से आना है नीचे, जो कि सॉरी ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ आना है हमें टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, और उसे सिंगल टैप करके डबल टैप कर देंगे। और डबल टैप करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से सेटिंग वाले आइकन पर हम करेंगे टैप, और यहाँ टाइप करते हैं सेटिंग फॉर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, और यहाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें इस पर क्लिक करना है, जो आप देख रहे हैं 2.0.0.75 जो लिखा हुआ है, इसे सिंगल टैप करके डबल टैप करेंगे। यही से दोस्तों आपका जो है यही मतलब देखिए लोडिंग होने लगा है, और ये जो है वेलकम टू द गैलेक्सी स्टोर, इसका जो है ये स्टोर जो है ओपन होगा। यहाँ से कर देंगे टिक, और यहाँ से कर देना है एग्री, और एग्री करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं आपके सामने ये होगा लोडिंग, और लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपके सामने गैलेक्सी स्टोर हो जाएगा ओपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट का आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ हम अपडेट को कर देंगे क्लिक, और अपडेट ये होने लगेगा। यहाँ हमें लेटर पर कर देना है क्लिक, तो ये देखिए यहाँ से डू नॉट शो अगेन फॉर 14 डेज, और यहाँ से कर देंगे लेटर। लेटर करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो है सैमसंग TTS जो है अपडेट होने लगा है, जो कि टेक्स्ट टू स्पीच है। और ये दोस्तों हम थोड़ा देखिए, ये हो रहा है 13 MB का है, और ये हो गया है डाउनलोड, और ये हो रहा है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हमें एक जिसे ऐप यहाँ पे सर्च करना है वो है, यहाँ से सिंगल टैप और फिर डबल टैप करेंगे ताकि जो है सर्च वाला जो ऑप्शन है वह हो जाए ओपन। और यहाँ से फिर एक बार ट्राई करते हैं, ये देखिए डबल टैप हमने किया, ये हो गया सर्च वाला ओपन। और यहाँ से हमें सिंपली दोस्तों ये 3 टाइम्स जो है फिर बटन को क्लिक करना है, ताकि जो है सिंगल टैप में अब जो हमारा हैंडसेट है वह चले। तो हम यहाँ से लिख देंगे सैमसंग ब्राउज़र, यहाँ पे हमें सर्च करना है, थोड़ा हम वीडियो को फास्ट करके इसे सर्च कर लिए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, और इसे ही करेंगे क्लिक। क्लिक करते हुए दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, और ये भी अपडेट का नोटिफिकेशन देगा। तो हमें इसे सिंपली दोस्तों करना है अपडेट, और अपडेट हो जाने के बाद हमें करना है ओपन। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, और अपडेट करते ही देख सकते हैं दोस्तों कि ये होने लगा है अपडेट, और ये नियर अबाउट 76 MB का है। तो हम वीडियो को थोड़ा सा कर देते हैं फास्ट, और जो है कि डाउनलोड होने के बाद जब इंस्टॉल हो रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है ऐप हो गया है सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र जो है अपडेट। तो ये रहा, देख रहे हैं हो गया है डाउनलोड, और ये हो रहा है इंस्टॉलिंग। और इंस्टॉलिंग होने के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे अब क्या करना है, ताकि
जो हमारा FRP लॉक है, गूगल अकाउंट लॉक है, वो हो जाए अनलॉक। तो यहाँ थोड़ा ये वक्त ले रहा है दोस्तों इंस्टॉलिंग होने में। और यहाँ देखिए ये हो गया इंस्टॉलिंग, थोड़ा सा हम वीडियो को कर दे रहे हैं फास्ट ताकि जल्दी से हो जाए इंस्टॉल। और ये हो गया इंस्टॉल, यहाँ आ जाएगा नोटिफिकेशन ओपन का। तो हम सिंपली दोस्तों ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों हमें जो है यहाँ पे टिक करना है और यहाँ से एग्री कर देना है। तो यहाँ से हमें दो ऐप को डाउनलोड करना है, जिसे हम आपको जिसका नाम अभी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हम जल्दी से कर देते हैं सर्च उस का। तो यहाँ से पहले हमें पहले ऐप को डाउनलोड करना है, टेक्नो केयर APK, जो कि गूगल पे आप सर्च करेंगे। देखिए ये टेक्नो केयर APK रिकमेंडेड में दिखा देगा, इसे हमें करना है डाउनलोड। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। और ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद दोस्तों पहला जो लिंक है, सॉरी दोस्तों ये देखिए थर्ड वाला जो टेक्नो केयर APK.com करके वेबसाइट है, इसी से हमें डाउनलोड करना है। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट से हमें करना है डाउनलोड। और यहाँ से देख रहे टेक्नो APK डाउनलोड, कर देंगे डाउनलोड। और ये थोड़ा दोस्तों ये नीचे से आ रहा है, ले रहा है थोड़ा सा वक्त जो हो रहा है होने में है डाउनलोड। और यहाँ से हम जो है दोस्तों सिंपली आ जाते हैं नीचे, देखते हैं नीचे कुछ मिलता है जिससे हमें ये ऐप जो है डाउनलोड हो सके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हाँ नीचे है, यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड टेक्नो केयर APK। यहाँ से हमें सिंपली टच करेंगे, टच करते ही दोस्तों ये जो है लोडिंग होने लगेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये लोडिंग होने के बाद दोस्तों देखिए टेक्नो केयर APK, यहाँ हम आ जाएंगे नीचे। फिर यहाँ से फिर एक बार हमें क्लिक करना है, और क्लिक करते ही दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब नीचे से जो है नोटिफिकेशन आएगा डाउनलोड के लिए। यहाँ दोस्तों देखिए ये आ गया डाउनलोड फाइल, यहाँ देख सकते हैं आप स्टार्टिंग डाउनलोड हो चुका है। तो एक बार हम आपको फिर से ले आके दिखा दे रहे हैं डाउनलोड्स में कि ये जो है ऐप हो रहा है डाउनलोड या नहीं। और अभी हम भी देख लेते हैं कितना MB हुआ है, ये है 28 MB का, और ये 2 मिनट मांग रहा है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा वीडियो को कर दिया फास्ट, और ये हो गया डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों एक और दूसरा ऐप है जिसका नाम है एपेक्स लॉन्चर, जिसे हमें करना है डाउनलोड। तो यहाँ पे देख रहे हैं एपेक्स लॉन्चर, ये 4.0.1 APK वर्जन का जो दोस्तों है 4.0.1 करना है। और यहाँ से हम पहले वाले APK प्योर वाले वेबसाइट पे जाएंगे, देखते हैं दोस्तों यहाँ से जल्दी से मिल जाए डाउनलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, और डाउनलोडिंग का लिख देगा ऑप्शन। यहाँ देखते हैं क्या जल्दी से ये हो जाता है डाउनलोड। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये डाउनलोड का आ गया ऑप्शन। और क्लिक हियर पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। और ऑप्शन आने के बाद दोस्तों ये होने लगा है डाउनलोड। जल्दी से जाके देखते हैं हम यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन में, तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों ऐप जो हो चुके हैं डाउनलोड। अब यहाँ से दोस्तों हमें एपेक्स लॉन्चर को करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करते हुए दोस्तों हमें कर देना है ओपन। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम सेटिंग से दे देते हैं परमिशन, और परमिशन देने के बाद दोस्तों यहां से हम कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे डायरेक्टली ओपन करना है, तो ये हो चुका है इंस्टॉल। ओपन कर देंगे यहां से, और ओपन करते ही दोस्तों ये आपके सामने जो है होम स्क्रीन आ जाएगा। और यहाँ से हमें अभी और भी कामें करना है, जिसे हम फिर तुरंत सेटिंग में हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं आप सेटिंग में हम जो है गए, और यहाँ से लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाना है सेटिंग में। और यहाँ से नीचे आना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, और यहाँ से नीचे आकर देख सकते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, और यहाँ फाइंड माय डिवाइस को जो इनेबल है उसे कर देंगे डिसेबल। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस पर टिक लगा हुआ है, इसे टिक को हटा देंगे और यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे, और सिंपली बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों हमें ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाना है, और ऐप्स पर जाके हमें लिखना है, नीचे आएंगे ये गूगल सर्विस, गूगल प्ले सर्विस को कर देना है डिसेबल। और यहाँ से ये डिसेबल करने के बाद दोस्तों अब हम सिंपली पूरा एकदम बैक आ जाएंगे, और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके देखेंगे कि ये जो हमारा दूसरा ऐप है जो टेक्नो केयर APK है, यहाँ माई फाइल में जाएंगे, और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन में
चले जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला टेक्नो केयर एपीके है, जिसे हमें सेटिंग से परमिशन देके इसे कर लेंगे इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों और भी प्रोसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो वो हो सकता है आपका अनलॉक ना हो, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखें इस वीडियो को, 100% दोस्तों आपका अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से आप कर देना है डन। इंस्टॉल होने के बाद फिर आएंगे बैक और फिर हमें सेटिंग में एक बार जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं वो ऑप्शन, यहाँ आना है हमें, यहाँ ये क्लाउड्स एंड सेटिंग, क्लाउड एंड अकाउंट्स, और यहाँ से अकाउंट पे जाना है हमें, कोई भी जीमेल जो है इसमें करना है लॉगिन। तो यहाँ से हम प्लस वाले अकाउंट पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे है गूगल, गूगल पे हम करना है टच क्लिक, और क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, ये जस्ट सेकंड। और जस्ट इसके आगे जो दोस्तों है देखिए साइन इन, तो दोस्तों आप कोई सा भी पासवर्ड और जीमेल डाल सकते हैं जो बाद में रिमूव हो सकता है, बस ये खोलने के लिए। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से कर देंगे आई एग्री, और एग्री करते दोस्तों चेकिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो है इन्फॉर्मेशन जो आपने इसमें पुट किया है जो भी जीमेल या पासवर्ड हुआ सही है या नहीं वह यहाँ पे लिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा जब जैसे ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ गूगल का आ गया है सिंबल, और यहाँ से हम सीधे बैक आ जाएंगे, और जो ऐप हमने डिसेबल्ड किया था उसे हमें करना है इनेबल। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे एक बार फिर, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ आगे लिख देगा डिसेबल्ड है यही ऐप, और इसे ही कर देंगे इनेबल। इनेबल करते ही दोस्तों हम सिंपली फिर बैक जाएंगे, और जो जो ऐप हमने डाउनलोड किया उसे कर देंगे अनइंस्टॉल, और अनइंस्टॉल करके फिर बताते हैं आपको क्या करना है। तो यहाँ से हम जो है आप देख सकते हैं टेक्नो केयर एट्रिक्स है, इसे हम कर देंगे अनइंस्टॉल और ओके, और ये हो गया ऐप अनइंस्टॉल। और इसके बाद फिर एक और ऐप है जो है एपेक्स लॉन्चर, जो हमें शायद ऊपर एकदम देखने को मिले, ये देखिए ये रहा, तो इसे भी हम कर देंगे अनइंस्टॉल। इन दोनों ऐप का जो है काम हो गया है समाप्त, और हमारा जो है हैंडसेट जो कि सैमसंग गैलेक्सी J2 2018 है, ये हो गया अनलॉक। और यहाँ से सिंपली दोस्तों हम कर देंगे पावर ऑफ, पावर ऑफ सारी दोस्तों रिस्टार्ट कर देंगे। तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, अगर हो गया है तो भी, नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सलूशन 100% देने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा हैंडसेट रिस्टार्ट, एंड्राइज रिस्टार्टिंग, और ये आपके सामने रहा हमारा होम स्क्रीन। और यहाँ से आने के बाद होम स्क्रीन हम कर देंगे स्टार्ट, और यहाँ से आगे कर देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद एग्री टू ऑल, फिर यहां से कर देना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करते ही चेकिंग फॉर अपडेट्स ये लिखेगा, दिस में टेक ए मिनट और टू, तो यहां ये थोड़ा सा वक्त लेता है जो कि दोस्तों हम इसे कर देते हैं फास्ट। और ये फास्ट होने के बाद दोस्तों अब आपके सामने ये आ जाएगा अकाउंट एडिट, देख सकते हैं आप। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसे भी हम कर देते हैं थोड़ा सा फास्ट ताकि जल्दी से मेरा जो है ये सेटअप कंप्लीट हो जाए होम स्क्रीन सेटअप। यहाँ पे आपको डोंट स्टोर करना है रिस्टोर, और यहाँ नॉट नाउ कर देना है, और यहाँ से मोर पे जाके एग्री कर लेंगे। और एग्री करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से कर देना है स्किप, और ये थोड़ा सा लेगा जस्ट ए सेकेंड, एडिंग फिनिशिंग टचेज, और ये रहा हमारा लास्ट स्टेज। यहाँ से नीचे आके हमें कर देना है स्किप, स्किप करने के बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, और फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद दोस्तों अब जो हमारा सिंपली जो दोस्तों होम स्क्रीन है वो आ जाएगा, और कोई भी लॉक जो लगा है जो FRP लॉक था, गूगल लॉक था, वो सब अनलॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में आपको बताया कि वो भी आप बिना PC या कंप्यूटर के जो है ये FRP लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से हमें कर देना है डन, और डन करते आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, हम आपको देखिए ये हमने लॉक किया और ये ओपन किया, देखिए कोई भी लॉक या FRP लॉक या पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, हम इसका सेटिंग में जाके इसका मॉडल नंबर और आपको इसका वर्जन दिखा दे रहे हैं। ये रहा J2 गैलेक्सी J2 है, ग्रैंड प्राइम प्रो है, और यह सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को